आध्यात्मिक जगत के विश्व विख्यात सूर्य भक्ति योग रस अवतार जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज की प्रमुख प्रचारिका सुश्री ब्रज परिकरी देवी जी गुरु प्रदत्त दिव्य ज्ञान के द्वारा विश्व शांति के एकमात्र सर्वसुगम सर्वसाध्य मार्ग का निरूपण करने जा रही हैं। उनका प्रवचन धारावाहिक होने के कारण प्रतिदिन सुनना अनिवार्य है, तभी विषय ठीक से हृदयंगम हो सकेगा। और भगवान के एक अंग को भी कोई लगातार देखे, न निगाह डाले दूसरे अंग पर, तो भी सदा तड़पता ही रहेगा उसको देखने के लिए। यानी भगवान के सौंदर्य में यह खास बात है कि वेद कहता है, यह पूर्वाय वेद से नबीय से सुमज जानये विष्णवे ददाशति। यानी वो नित नवायमान है, अनंत अनंत मात्रा का बढ़ता जा रहा है। तो परिणाम क्या होता है कि देखने वाला लगातार देख करके भी तड़पता रहता है। लगातार देख रहा है भगवान को लेकिन तड़प रहा है, क्योंकि उसकी प्यास बुझती नहीं। क्योंकि भगवान अपना माधुर्य बढ़ा देते हैं, भक्त का प्रेम बढ़ा, भगवान ने अपना माधुर्य बढ़ा दिया, फिर प्रेम बढ़ा, फिर उन्होंने अपना माधुर्य बढ़ा दिया, सौंदर्य बढ़ा दिया। इसीलिए वो हमेशा बेचारा तड़पता ही रहता है, उसको कभी तृप्ति होती ही नहीं। ऐसा सौंदर्य है भगवान का। नख शिख लखी सखी अखियन हूते, नख शिख लखी सखी अखियन हूते, पल पल तल फती देखन कोरी अनुपम रूप नीलमणि कोरी अनुपम रूप। अंत में श्री महाराज जी कहते हैं, ये तो मैंने थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए लिख दिया है, वास्तव में तो जो भगवान का प्रतिक्षण वर्धमान सौंदर्य है, माधुर्य है, आनंद है, प्रेमानंद है, उसको उसके बारे में कुछ भी बताना शब्दों में वो उसी प्रकार असंभव है जैसे करोड़ों प्रयत्न करके भी समुद्र को घड़े में भरना असंभव है। कह कृपालु गागर महासागर, कह कृपालु गागर महासागर, आवना यतन करोर करोरी अनुपम रूप नीलमणि कोरी अनुपम रूप। तो देखिए भगवान का जो आनंद है, निर्गुण सुख, वास्तविक सुख, प्रेम आनंद, वो कैसा होता है? वो अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है और प्रतिक्षण वर्धमान होता है। यानी उस वास्तविक सुख का एक विशेषण है सत, यानी वो नित्य रहता है और प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। और दूसरा विशेषण उसका क्या है? दूसरा विशेषण है चित आनंद। ये चित विशेषण है, चित माने चेतन, यानी वो आनंद जड़ नहीं है। भगवान का आनंद चेतन होता है। संसार में तो हमें जो आनंद मिलता है स्त्री पति बाप बेटे रसगुल्ले से, ये जड़ होता है, लेकिन जो भगवान का सुख होता है, भगवान का आनंद होता है, ये चेतन होता है। इसीलिए ये आनंद भगवान जीवों को भी दे देते हैं। इसी प्रकार जो ज्ञान है भगवान के पास, जिसमें वो सदा सर्वज्ञ रहते हैं,
वो भी जीवों को दे देते हैं। भोग मात्र साम्य लिंगाच सत चित आनंद, ये तीनों भगवान जीवों को दे देते हैं, अपने से 0.1% भी कम नहीं, अपने बराबर। इसीलिए फिर भक्त और भगवान में, महापुरुष और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता। तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, नारद भक्ति सूत्र। तो देखिए, ये जो वास्तविक सुख है, निर्गुण सुख जिसको कहते हैं, ईश्वरीय सुख जिसको कहते हैं, जिसके सत और चित विशेषण है, यही हमारा लक्ष्य है। इसी को हम चाहते हैं, इसी को हम अनादिकाल से निरंतर ढूंढ रहे हैं। जब तक ये सुख हमें प्राप्त नहीं हो जाएगा, तब तक हमारी सुख की खोज कभी भी बंद नहीं हो सकती। चाहे हमें कितने ही ऐश्वर्य मिले, अरे मिले हैं पूर्व जन्मों में, हमको अनंत बार स्वर्ग सम्राट की सीट भी प्राप्त हो चुकी है, स्वर्ग सम्राट की सीट, इंद्र बन चुके हैं हम, लेकिन तृप्ति नहीं हुई, सुखी नहीं हुए हम। देखो वेदव्यास कह रहे हैं, चक्रधरोपि सुरत्वं सुरत्वलाभे सकल सुरपतित्वं भवितुं सुरपतिरूर्ध्वगतित्वं तथापि न निवर्तते तृष्णा। यानी वो इंद्र भी सुखी नहीं है, तृप्त नहीं है, वो ब्रह्मा जी की ओर देखता है, अगर वो सीट मिल जाए तो सुख मिले। यानी तृप्ति स्वर्ग सम्राट जिसका सर्वेंट है कुबेर, सब देवता जिसके अंडर में है, वो भी अपनी सीट से सुखी नहीं है, तृप्त नहीं। अरे इंद्र की सीट कौन कहे, तो छोटी मोटी चीज है। वेदव्यास कहते हैं कि यत् पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशवस्त्रियः नालमेकस्य पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम परित्यजेत। भागवत नवे स्कंद के 19वें अध्याय का 13वां श्लोक। यानी अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना वैभव है, वो भी अगर एक व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री कर दी जाए तो भी वो सुखी नहीं हो सकता, उसकी सुख की प्यास शांत नहीं हो सकती, बल्कि और बढ़ती जाएगी। न जातु कामः कामाना मुपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। भागवत 9वें स्कंद के 19वें अध्याय का 14वां श्लोक। जैसे आग में घी डाला जाता है तो कुछ सेकंड को ऐसा लगता है कि आग बुझी, लेकिन वो बुझती नहीं है, वो चौगुनी होकर के प्रकट होती है। ऐसे ही जितना सांसारिक सामान देते हैं हम इन इंद्रियों को सुख की खोज करते हुए, उतना ही हमारी अशांति, टेंशन, प्यास बढ़ती जाती है, क्योंकि हम जो सुख चाहते हैं वो माइक सुख नहीं, ईश्वर का अंश होने के कारण हम दिव्य सुख चाहते हैं। जब तक वो नहीं मिलेगा हमको, तब तक हमें चैन नहीं मिल सकता। वो हमारा लक्ष्य है, वास्तविक सुख। तो वास्तविक सुख कैसे मिलेगा, क्या उपाय है उसका, तो ये प्रश्न हमारी इंडिया में तो सदा से चलता ही आ रहा है, लेकिन विदेशों में भी चला ये, और इसके उत्तर भी लोगों ने दिए। एक हुआ है चार्वाक बृहस्पति, पहला सिद्धांत चार्वाक का, ये चार्वाक सिद्धांत आप लोगों ने सुना होगा, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अभी भी मैंने आपको बताया था ना, जब तक जिए सुख से जिए, कर्जा करके भी घी पिए, मरने के बाद किसको लौट के आना है। हाँ, शरीर जल के खत्म हुआ, शरीर समाप्त हुआ, उसी के साथ मैं भी समाप्त हो गया।
ये चार्वाक का सिद्धांत है, यानी ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो। ये चार्वाक सिद्धांत जो है ये बृहस्पति जी का चलाया हुआ है। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु, बुद्धि की अंतिम अथॉरिटी हैं, जो उन्होंने चलाया है चार्वाक सिद्धांत। उन्होंने चलाया ऐसा अजीब सिद्धांत। वो असल में बात ये हुई कि एक बार देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ, तो बहुत सारे असुर मारे गए युद्ध में। तो असुरों के जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, उनको बड़ी चिंता हुई कि इतने सारे हमारे असुर मारे गए, अब तो ये देवता लोग हमेशा असुरों पर हावी हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी सिद्धि मिल जाए कि मैं इन मरे हुए असुरों को फिर से जिंदा कर दूं। तो ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य गए तप करने के लिए। अब देवताओं को खबर मिली तो देवताओं ने कहा, अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, अगर ये असुर फिर से जिंदा हो गए तो फिर तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इंद्र ने क्या किया कि अपनी लड़की को शुक्राचार्य की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा, और देवताओं के गुरु जो बृहस्पति थे, बृहस्पति हैं, उन्होंने शुक्राचार्य का रूप धारण किया और शुक्राचार्य बन करके वो असुरों के पास गए। तो असुरों ने सोचा हमारे गुरु जी लौट आए हैं, तो उन्होंने प्रणाम वणाम किया, पूजा उजा की। तो तब बृहस्पति जी ने ये उनको उपदेश दिया कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत मृणम कृत्वा घृतम पिबेत। अरे बस शरीर ही सब कुछ है, शरीर के सुख को ही अपना लक्ष्य मानो, इसी की चिंता करो, खाओ पियो मौज करो, शरीर के अलावा कुछ नहीं होता, शरीर ही सब कुछ है, इसलिए शरीर को जैसे सुख मिले वो करो। ऐसा उपदेश दिया असुरों को, और ये भी बता दिया साथ में कि देखो एक देवता हमारा रूप धारण करके आ रहा है, जब वो आए तो उसको मार के भगा देना। अब इधर इंद्र की लड़की ने शुक्राचार्य जी की तपस्या भंग कर दी, शुक्राचार्य लौट आए। और जब वो लौटे असली शुक्राचार्य, तो असुरों ने कहा, ए मारो मारो, आ गया वो देवता हमारे गुरु का रूप धारण करके, और डांट लगाई शुक्राचार्य को, गेट आउट। तो शुक्राचार्य दंग रह गए कि ये कल मेरी इतनी पूजा करते थे, नमन करते थे, आज इनको हुआ क्या, अपने गुरु को कहते हैं गेट आउट। तो उन्होंने कहा, अरे मैं तुम्हारा गुरु शुक्राचार्य हूं, हाँ मालूम है, भाग जाओ नहीं तो पिट जाओगे अभी। शुक्राचार्य बेचारे दंग, खैर भाग आए वो। तो तब से ये सिद्धांत चला, वो इसीलिए चलाया गया ताकि असुर लोग इसी में शरीर के भोगों में ही लिप्त रहें और स्पिरिचुअल पावर इकट्ठी न कर पाए। तो ये चार्वाक का सिद्धांत है, खाओ पियो मौज करो, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करके घी पियो, शरीर ही सब कुछ है। सुनने में तो आप लोग सोचते होंगे कि बड़ी मूर्खता का सिद्धांत है, लेकिन अगर सच पूछा जाए तो आज 6 अरब में 6 लाख भी ऐसे मनुष्य न होंगे जो चार्वाक के लेवल तक पहुंचे हुए भी हों। हाँ देखो, चार्वाक कहता है कि केवल तुम अपने शरीर तक सीमित रहो बस, और किसी के दुख में तुम दुखी मत हो। ये नहीं कि ओ स्त्री दुखी है तो उसके दुख में हम दुखी हो रहे हैं, बेटा मर गया तो उसके लिए रो रहे हैं, ये सब क्यों करते हो। चार्वाक इनके चक्कर में नहीं पड़ता। चार्वाक कहता है बेटा मर गया, मर जाने दो उसको, अरे उसका समय आया, वो मर गया, हमारा समय आएगा, हम भी मरेंगे, उसके लिए हम बिना बात रोएं क्यों, अपना सुख क्यों नष्ट करें, अपनी शांति क्यों खराब करें हम। अरे हमारे रोने से वो लौट के तो आना नहीं है, अगर लौट के आने का चांस होता तब तो चलो एक बार प्रयत्न करके देख लेते, लेकिन अब लौट के तो नहीं आ सकता वो, और लो अब तो उसका शरीर भी जल गया,
इसलिए कोई सवाल ही नहीं अब तो लौट के आने का कि हाँ तुम्हारा बेटा तुमको मिल जाएगा, कोई प्रश्न है अब नहीं जी, अब क्या चांस रहता, अब तो सब खत्म हो गया, तो फिर क्यों रोते हो तुम उसके लिए? अब क्या बताएं जी, क्या बताएं जी, तो इसका मतलब तुम अभी चार्वाक के लेवल तक नहीं पहुंचे, उससे नीचे हो तुम। हाँ, यानी चार्वाक कहता है अपने शरीर तक सीमित रखो, अपने शरीर के अलावा जितनी ममताएं हैं उन सब को खत्म करो। यहां तक पहुंच गया चार्वाक। हमारा अध्यात्मवाद भी सबसे पहले पहले आप लोगों को यही सबक देगा। पहले जो बाहर के हैं, शरीर के बाहर के नातेदार आदि, इन सब से ममता समाप्त करो। अब उनसे समाप्त हो गई तो फिर अपने शरीर है, अब शरीर से भी अटैचमेंट खत्म करो। तो अब मन बचा तो फिर मन से भी अटैचमेंट खत्म करो। तो फिर अब बुद्धि रही तो भाई बुद्धि में भी ममता ना रहे। तो फिर अब आत्मा रही तो आत्मा में भी ममता ना रहे। तब फिर भगवान के प्रति सरेंडर होगा, भगवान में अटैचमेंट होगा। तो कम से कम चार्वाक ने इतनी मंजिल तो तय कर ली। यहां तक तो पहुंच गया चार्वाक कि शरीर के बाहर वालों में अटैचमेंट मत करो। लेकिन हम लोग तो उससे कितने नीचे हैं, हमारा तो तमाम लोगों में अटैचमेंट है। किशोर